We have done chapter working of institution. In 9th A, our chapter working of institution has been completed yesterday. So today I'm going to revise this chapter. Listen carefully and then you can do your answers yourself. Now, first of all, in this chapter you have read about Mandal Commission, जो कि बीपी मंडल के अंडर बना था, ठीक है? एंड उस मंडल कमीशन ने 27% सीट्स की रिजर्वेशन की थी, डिमांड रखी थी कि 27% सीट शुड बी रिजर्व फॉर SC/BC सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है? तो बाद में इसको गवर्नमेंट ने जब इम्प्लीमेंट किया, दैट वाज नॉट टॉलरेटेड बाय द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अवर कंट्री, सो देयर वाज वायलेंस. तो सुप्रीम कोर्ट ने 11 जजेस का एक पैनल बिठाया एंड इन दैट इट वाज डिसाइडेड, इंदिरा सानी रिपोर्ट जो दैट वाज आल्सो प्रिपेयर्ड एंड बाय दैट, अब कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया कि उन्होंने कहा कि लॉ तो इम्प्लीमेंट रहेगा बट जो लोग इकोनॉमिकली सॉलिड है ना इस कैटेगरी में, तो उनको वो जॉब्स नहीं मिलेंगी. जो 27% रिजर्वेशन हुई थी ना जॉब्स की, जो लोग ऑटोमेटिकली इकोनॉमिकली सॉलिड हैं इस कैटेगरी में, दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दीज जॉब्स. तो उसमें उन्होंने मोडिफिकेशन कर दी, उस लॉ में चेंजेस कर दिए. तो दिस इज गिवन इन द वेरी बिगनिंग ऑफ योर बुक, वी हैव डन इन डिटेल, सो प्लीज रीड इट अगेन. एंड नेक्स्ट, इन दिस चैप्टर यू हैव रेड अबाउट द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने पढ़ा कि व्हाट इज गवर्नमेंट, राइट, इट्स फंक्शंस. तो दीज आर द 3 इंस्टीट्यूशंस, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, दीज आर द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द गवर्नमेंट. ये इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है? यू हैव रेड अबाउट फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट इज गवर्नमेंट, आपने सारा डिटेल में पढ़ा. देन we have read all these institutions in detail, humne sare ye detail mein padhe hain. ye chapter hai in institutions se linked hai. first of all in legislature, pehle to aapko batana chahiye legislature is the largest law making body in india, theek hai? ye law banati hai. executive implement those law which are made by legislature. judiciary check whether the laws are followed by people or not and punishments are given to the law violators. So first we have read about legislature in detail. Legislature mein aapne padha ki in India we are having bicameral legislature. Now what do you mean by bicameral? Bicameral ka matlab hai two houses, having two houses. India mein jo hamari parliament hai na, it has two houses. So bicameral legislature hai, theek hai? So it has two houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. So in this you have read about differentiate Lok Sabha and Rajya Sabha. आपने Lok Sabha and Rajya Sabha को differentiate भी पढ़ा. अगर मैंने इसलिए बोला था कि do differentiate because किसी भी note लिखना है तो you can write. I'm again repeating it. First of all, तो Lok Sabha आप कहते हो House of People, Rajya Sabha House of Councils. Lok Sabha में आप कहते हो lower house. राज्यसभा इज अपर हाउस. लोकसभा में जो हेड है दैट इज स्पीकर, राज्यसभा का वाइस प्रेसिडेंट. पीपल हु एट द एज ऑफ 25 कैन कॉन्टेस्ट फॉर लोकसभा इलेक्शंस एंड पीपल हु आर एट द एज ऑफ 30 कैन कॉन्टेस्ट फॉर राज्यसभा इलेक्शंस. नंबर ऑफ मेंबर लोकसभा के आप कहोगे नेवर एक्सीड, आप वैसे तो 552 भी कह देते हैं, 550 वैसे, ठीक है? टू मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी. यहाँ पे आप कहोगे नंबर ऑफ मेंबर नेवर एक्सीड 250 एंड 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स सच एज मैथ्स, साइंस, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड म्यूजिक एक्सेट्रा. तो दिस इज अबाउट लोकसभा एंड राज्यसभा. इसका टेन्योर 5 ईयर है, वहां पे एज ऑफ रिटायरमेंट है और वहां पे आप कहोगे 2/3 मेंबर्स आर रिटायर्ड आफ्टर एवरी 2 ईयर्स.
इन राज्य सभा, 2/3 मेंबर्स आर रिटायर्ड आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। तो इस वे से आप बताओगे दोनों को डिफ्रेंशिएट, या आपको इकट्ठा किसी पे भी नोट लिखना आ जाए तो यू कैन राइट वी हैव डन ऑल। अगेन आई एम रिपीटिंग, नेक्स्ट विच हाउस इज इन दिस यू हैव रेड विच हाउस इज पावरफुल एंड वाई। दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन द पेपर, विच हाउस इज पावरफुल एंड वाई। तो यहाँ भी आप बताओगे लोकसभा इज द पावरफुल हाउस। अब वाई, वाई को आपको बताना पड़ेगा, यू हैव टू राइट 3 पॉइंट्स हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप बताओगे रिगार्डिंग ऑर्डिनरी बिल। अब इसमें आप बताओगे 3 पॉइंट्स हियर यू हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ। विच हाउस इज पावरफुल, लोकसभा। वाई का मैं आप बोल रही हूँ, लिसन केयरफुली, रिगार्डिंग ऑर्डिनरी बिल। तो इसमें आप बताओगे ऑर्डिनरी बिल कैन ओनली कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी ऑफ द हाउस। ऑर्डिनरी बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। देन दिस बिल इज सेंड टू अदर हाउस, किसी भी आफ्टर पासिंग दिस बिल इज सेंड टू अदर हाउस। बट ऑर्डिनरी बिल पास करते वक्त इफ क्लैशेस अकर, मैंने बोला इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी ऑफ द हाउस, बट इफ क्लैशेस अकर वाई पासिंग दिस ऑर्डिनरी बिल, अगर पास करते करने के टाइम क्लैशेस हो जाए दोनों हाउसेस में, देन स्पीकर कैन कॉल द जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेस। लिसन अगेन, ऑर्डिनरी बिल, रिगार्डिंग ऑर्डिनरी बिल इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी ऑफ द हाउस, बट इफ क्लैशेस अकर व्हाइल पासिंग इट, देन स्पीकर कॉल द मीटिंग ऑफ कॉल द जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेस, दोनों हाउसेस का वो ज्वाइंट सेशन बुला लेते हैं। एंड देन वोटिंग इज डन ऑन द बिल इन दैट सेशन। उस सेशन में क्या होती है, वोटिंग ऑन द बिल एंड डिसीजन ऑफ मेजोरिटी प्रिवेल्स। बट देयर इज मेजोरिटी इन लोकसभा, लोकसभा के मेंबर तो उनके हाफ से भी ज्यादा है, तो मेजोरिटी किस हाउस में है, लोकसभा। तो इट मींस किसका डिसीजन फाइनल हुआ, लोकसभा। लिसन अगेन, ऑर्डिनरी बिल इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी ऑफ द हाउस, इफ क्लैशेस अकर व्हाइल पासिंग दिस बिल स्पीकर कैन कॉल द जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेस एंड इन दैट सेशन वोटिंग ऑन बिल इज डन। उसमें वोटिंग होती है बिल पे, और साथ में हम कहेंगे कि डिसीजन ऑफ मेजोरिटी प्रिवेल्स, ये कहा जाता है कि जो जिस फेवर में मेजोरिटी होगी वही डिसीजन फाइनल होएगा। अब देयर इज मेजोरिटी इन लोकसभा, सो डिसीजन ऑफ लोकसभा प्रिवेल्स, डिसीजन ऑफ लोकसभा बिकम फाइनल। तो एक तो ये बात उसे पावरफुल बनाती है। सेकंड, मनी बिल, रिगार्डिंग मनी बिल। फर्स्ट आपने बताया रिगार्डिंग ऑर्डिनरी बिल, एंड यू नो इट वेरी वेल कि हर बिल प्रेजिडेंट के पास जाता है साइन होने के लिए। तो ऑर्डिनरी बिल भी प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट उसको साइन करता है, तब वो बिल लॉ बन सकता है, ठीक। अब हम कहेंगे रिगार्डिंग मनी बिल, मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। वो तो होता ही सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस है, वो राज्यसभा में तो जाता ही नहीं है पहले। मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा विद द प्रायर इंफॉर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट। लिसन अगेन, मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। मनी बिल कहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, लोकसभा में, विद द प्रायर इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। मींस प्रेसिडेंट को पहले से इन्फॉर्म किया जाता है, ठीक। प्रेसिडेंट ने उसमें जो भी चेंजेस वगैरह करवाने होते हैं तो बिगनिंग में ही हो जाते हैं, ठीक। देन दिस बिल इज सेंड टू राज्यसभा। मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा विद द प्रायर इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। देन दिस बिल इज सेंड टू राज्यसभा। राज्यसभा कैन गिव इट सजेशंस, बट इट डिपेंड्स अपॉन लोकसभा टू फॉलो द सजेशंस गिवन बाय राज्यसभा और नॉट। लिसन अगेन, मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा विद द प्रायर इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। देन दिस बिल इज सेंट टू राज्यसभा। राज्यसभा कैन गिव इट सजेशंस, इट डिपेंड्स अपॉन लोकसभा टू फॉलो द सजेशंस गिवन बाय राज्यसभा और नॉट। कहते होते चाहे वो उठा के रद्दी की टोकरी में भी डाल दे, इनकी सजेशंस को नहीं माना, नहीं माना, कोई बात नहीं। देन दिस बिल इज सेंड टू प्रेसिडेंट फॉर हिज सिग्नेचर, क्योंकि मैंने अभी बताया हर बिल, ऑर्डिनरी बिल भी प्रेसिडेंट के पास ही जाते हैं, ठीक है। तब ये बिल किसके पास चला जाता है, फाइनल में प्रेसिडेंट।
प्रेसिडेंट हैज टू साइन दिस बिल इमीडिएटली. प्रेसिडेंट इस बिल को डिले नहीं कर सकते. ऑर्डिनरी बिल को प्रेसिडेंट कैन डिले बट मनी बिल को प्रेसिडेंट कांट डिले बिकॉज दिस बिल इज इंट्रोड्यूस्ड विद द प्रायर इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. क्योंकि ये प्रेसिडेंट की प्रायर इंफॉर्मेशन से हुआ था तो दैट्स व्हाई प्रेसिडेंट कांट डिले मनी बिल एंड प्रेसिडेंट हैज टू साइन. तो ये बिल लॉ बन जाता है. नाउ इज इट क्लियर रिगार्डिंग ऑर्डिनरी बिल रिगार्डिंग मनी बिल. दोनों में ही देखो आप अपने आप सोचो कि विच हाउस इज पावरफुल. लोकसभा. अब थर्ड आप बता दोगे हाउस ऑफ पीपल. लोकसभा अभी मैंने डिफरेंशिएट में बोला था कि इट इज द हाउस ऑफ पीपल. तो लोकसभा इज द हाउस ऑफ पीपल एंड इन इंडिया पावर्स आर इन द हैंड्स ऑफ पीपल. सो इन दिस वे वी कैन से इट इज द पावरफुल हाउस. ये पावरफुल हाउस है. इज इट क्लियर व्हाई लोकसभा इज पावरफुल हाउस. आप कहोगे रिगार्डिंग ऑर्डिनरी बिल रिगार्डिंग मनी बिल हाउस ऑफ द पीपल. तो नेक्स्ट इसी में आपने पढ़े पार्लियामेंट के फंक्शंस. ये सारा करने के बाद आपका एक ऑर्गन कंप्लीट होना है लेजिस्लेचर. इन लेजिस्लेचर यू हैव रेड फर्स्टली लोकसभा राज्यसभा देन विच हाउस इज पावरफुल एंड व्हाई. नेक्स्ट राइट द फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट. व्हाट इज पार्लियामेंट राइट इट्स फंक्शंस. तो आपने कहना बॉडी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इज नोन एज पार्लियामेंट. It is the highest forum of debates and discussions. Highest forum means place. It is the highest forum of debates and discussions. ये ऐसी place है जहाँ पे debates and discussions होते हैं. ठीक है. Forum का मतलब होता है place. It is the highest forum of debates and discussions. In India, it is known by the name of Parliament, whereas in other countries, it has different names. For example, in USA. आप कह सकते हो इट इज नोन बाय द नेम ऑफ कांग्रेस. कहीं अपनी पॉलिटिकल पार्टी ना समझ लेना कांग्रेस. वहां पे पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं. इन यूएसए पार्लियामेंट इज नोन एज कांग्रेस. इन इंडिया इसे हम कहते हैं पार्लियामेंट. वैसे भी आप हिस्ट्री में पढ़ के आए हो फ्रांस की पार्लियामेंट रशिया की पार्लियामेंट जर्मनी की पार्लियामेंट. फ्रांस की आपने बॉडी ऑफ स्टेट जनरल पढ़ी रशिया की आपने डूमा पढ़ी एंड जर्मनी की रीच स्टैग. तो हर जगह पार्लियामेंट का नेम डिफरेंट होता है. इन इंडिया वी कॉल इट पार्लियामेंट वेयर एज इन अदर कंट्रीज इट हैज डिफरेंट नेम्स. तो ये तो आप बिगनिंग में बता दिया आपने. ठीक है. आप फंक्शंस फंक्शंस आप सबसे पहले बताओगे कि लार्जेस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है. इट मेक्स लॉ ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ यूनियन लिस्ट. ठीक है. यूनियन लिस्ट में तो पार्लियामेंट ही लॉ बनाती है. यू नो ना कि 97 सब्जेक्ट्स आर देयर इन यूनियन लिस्ट. फिर हम कहेंगे इट मेक्स लॉ ऑन द सब्जेक्ट्स कॉन्करेंट लिस्ट विद स्टेट गवर्नमेंट. कॉन्करेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट्स होते हैं. पार्लियामेंट विद स्टेट गवर्नमेंट में लॉ. बट लॉ बनाते वक्त अगर झगड़ा हो जाए तो लॉ मेड बाय पार्लियामेंट प्रीवेल्स. जो पार्लियामेंट ने लॉ डिसीजन होता है ना वही चलता है. इस एंड अगेन पार्लियामेंट मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ यूनियन लिस्ट. यहाँ पे 97 सब्जेक्ट्स हैं. पार्लियामेंट मेक लॉ. फिर हम कहेंगे पार्लियामेंट मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स गिवन इन कॉन्करेंट लिस्ट. There are 47 subjects. Why making law if clashes occur? Then law made by parliament prevails. फिर state की नहीं चलती parliament की चलती है. फिर हम कहेंगे residuary powers. Residuary powers are also enjoyed by parliament. Parliament ही residuary powers को enjoy करती है. तो हम कहेंगे residuary powers होती क्या है. जब हमारा list system बना ना when list system was formed तो कुछ law बाद में enter हुए add किए गए तो उनको फिर उन्होंने रेसिडरी पावर में ऐड कर दिया. सब्जेक्ट्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट सिस्टम एंड दे आर एडेड इन रेसिडरी पावर्स. अब रेसिडरी पावर्स कौन एंजॉय करती है पार्लियामेंट. तो ये सारा पहले आप लॉ को लेके लिख दोगे कि पार्लियामेंट जो है दैट इज लार्जेस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया. पार्लियामेंट मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ यूनियन लिस्ट. आप कॉन्करेंट लिस्ट पे भी बताओगे. फिर आप बताओगे residuary powers are also enjoyed by parliament. Then फिर आप money financial powers में बता दोगे कि government cannot spend even a single penny without the permission of the parliament because it controls the national finances of the country. Parliament control national finances of the country. तो इसमें आप बताओगे government cannot spend even a single penny without the permission of the parliament. तो एनुअल बजट इज पास बाय पार्लियामेंट. एनुअल बजट इज पास इन द पार्लियामेंट. फिर आप नेक्स्ट बता दोगे एनुअल बजट भी यहाँ पे पास होता है. फिर सब कुछ आप बताओगे. फिर आप कहोगे टेक पार्ट इन द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. पार्लियामेंट
प्रेजेंट एंड वाइस प्रेजेंट की इलेक्शंस में भी पार्ट लेती है, ठीक है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मत लिखना, इट टेक्स पार्ट इन द इलेक्शंस ऑफ प्रेजिडेंट एंड वाइस प्रेजिडेंट। फिर आप कहोगे कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट का हमारी एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल है। कैसे? इसमें हम बताएंगे इन अवर कंट्री, हमारे यहाँ पे पहले तो बताओ कि वी आर हैविंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, एंड इन इंडिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज आंसरेबल टू पार्लियामेंट। हमारे यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है ना, दैट इज आंसरेबल टू पार्लियामेंट इफ पार्लियामेंट पासिस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देन प्राइम मिनिस्टर विद हिज टीम हैज टू रिजाइन इमीजिएटली। तो इसका मतलब है कि पार्लियामेंट हैज फुल कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यू हैव रेड अबाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ना, आपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ी है, जो प्रेजिडेंट के मेन जो मेंबर्स होते हैं टीम के, रूलिंग पार्टी। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट हैज फुल कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, एंड इफ पार्लियामेंट पासेस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है दैट इज आंसरेबल टू पार्लियामेंट, वो अनस्टेबल होती है। इफ पार्लियामेंट पासिस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अगर पार्लियामेंट नो कॉन्फिडेंस का, एन नो 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 कॉन्फिडेंस का वोट पास कर दे अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद इट्स हेड, कौन होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड? प्राइम मिनिस्टर, हैज टू रिजाइन इमीजिएटली। सो दीज आर द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। इज इट क्लियर? फर्स्ट ऑर्गन आपको आ गया होगा लोकसभा राज्यसभा को डिफरेंशिएट, हाउस कौन सा पावरफुल है, क्यों पावरफुल है, व्हाट इज पार्लियामेंट, राइट इट्स फंक्शंस। अब आ जाओ एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव जो है दैट इज सेकंड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, एंड इट इम्प्लीमेंट्स द लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर, ये इम्प्लीमेंट करता है उन लॉज को, ठीक है। अब हम कहेंगे दो तरह की एग्जीक्यूटिव है, पॉलिटिकल एंड परमानेंट, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो जैसे आपने लोकसभा राज्यसभा किया, सेम एज यू विल डू पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। इस बात के लिए मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ, आप नायक मूवी देख लो, अनिल कपूर एंड परेश रावल एंड अमरीश पुरी, तीनों करेक्टर आ गए तो यू कैन डू दिस टॉपिक, पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो अपने आप आपको दिमाग में आएगा कि जो अमरीश पुरी वो चेंज होता है तो अनिल कपूर आता है, अनिल कपूर के साथ भी परेश रावल वर्क कर रहा होता है, अमरीश पुरी के साथ भी परेश रावल वर्क कर रहा होता है, वो तो नहीं चेंज हुआ है ना, वो परमानेंट का पार्ट है। इट मींस वो पॉलिटिकल थे, पॉलिटिकल मींस वो टेन्योर के लिए आते हैं, 5 साल के लिए आते हैं। तो हम आपने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ये भी बात पढ़ी थी कि हमारे यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही नहीं है, हमारी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की कोई क्वालिफिकेशन फिक्स नहीं है, गवर्नमेंट ने कुछ फिक्स नहीं किया हुआ, तो वो कई बार अनएजुकेटेड भी होते हैं, ठीक है। वेयर एज परमानेंट एग्जीक्यूटिव वो तो वेल क्वालिफाइड लोग होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्लियर करके आते हैं वो, तो बहुत मतलब टफ एग्जामिनेशन के बाद वो लोग इस अपने अपने उनको जो भी डिपार्टमेंट की जिस उनको फील्ड में नॉलेज होती है वो वहाँ पे उनको जॉब्स मिलती है। तो आपने बताना है पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव में, पॉलिटिकल में आप बताओगे कि ये नॉन परमानेंट है, इनका टेन्योर 5 ईयर होता है, परमानेंट आप बताओगे कि परमानेंट ही है, ठीक है, सिविल सर्वेंट्स होते हैं ये सारे। इधर आप बताओगे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सब इधर आ जाएंगे, ठीक। उधर आप कहोगे सिविल सर्वेंट्स होते हैं, इधर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में आप बताओगे कि नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिक्स फॉर देम, उधर आप कहोगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्लियर करके वो लोग पावर में आते हैं। इधर इनका 5 ईयर है, उधर इनकी एज ऑफ रिटायरमेंट है, उनकी एज ऑफ रिटायरमेंट होती है। समटाइम्स दीज पीपल, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होती है ना, दे हैव नो नॉलेज अबाउट द डिपार्टमेंट अलॉटेड टू देम। अब किसी को फर्टिलाइजर मिनिस्टर बना दो, रेलवे मिनिस्टर बना दो, और पर्सन को नॉलेज ही नहीं है तो तब भी चलेगा, बिकॉज वो जो मिनिस्टर है वो तो उसको हेल्प किसने करनी है, पीछे जो उसकी टीम वर्क कर रही है, दैट इज परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जैसे कोई रेलवे मिनिस्टर आया, ही हैड नो नॉलेज, ही हैज नो नॉलेज अबाउट द रेलवे डिपार्टमेंट, वो तो प्राइम मिनिस्टर ने अपने क्लोज जो थे उनको हायर मिनिस्टर्स दे दी, तो पर्सन हैज नो नॉलेज अबाउट रेलवे डिपार्टमेंट, तो उसको हेल्प करना है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव विल हेल्प पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन द डे टू डे फंक्शनिंग, वो लोग इनकी हेल्प करते हैं
पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को कई बार नॉलेज नहीं भी होती, क्वालिफिकेशन नहीं है इनके लिए, परमानेंट तो एजुकेटेड होते हैं, फुल नॉलेज अबाउट द डिपार्टमेंट अलॉटेड टू देम, जिस डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे होते हैं दे हैव फुल नॉलेज, दे हेल्प पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन देयर डे टू डे फंक्शनिंग। तो इस वजह से आप बताओगे तो काफी फर्क है दोनों में, है ना। बट एक चीज है, पावर कौन इंजॉय करता है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। परमानेंट के पास पावर नहीं है। हु इज इंजॉइंग पावर? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जो कि मिनिस्टर, जो कि 5 साल के लिए मिनिस्टर आया, दैट वो मिनिस्टर क्या इंजॉय कर रहा है? पावर। तो पावर किसके पास है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास। परमानेंट एग्जीक्यूटिव के पास पावर नहीं है। दे कैन ओनली हेल्प द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन देयर फंक्शनिंग। नो इज इट क्लियर? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट आप प्रेश रावल को दिमाग में रखना कि वो चेंज नहीं होते, उनकी एज ऑफ रिटायरमेंट होती है। पॉलिटिकल कुछ टाइम के लिए। अब देखो पावर किसके हाथ में होती है, या तो अमरीश पुरी दिखाया था या फिर वो तो उसे गाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज जब आप वहां से देखोगे आपको ज्यादा इजी लगेगी। आप बिना क्रैम, बिना पढ़े आप अपने आप फ्रेम कर सकते हो कि पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक। और वो देखो अमरीश पुरी अनपढ़ भी दिखाया था उसमें, नो नॉलेज, उसको पता ही नहीं होता। तो जब ये अनिल कपूर भी आता है तो ये तो मीडिया में होता है, तो ये जब इसमें पॉलिटिक्स में आता है तो वो खुद ही कहता है कि आई हैव नो नॉलेज, तो उसको गाइड कौन करता है? प्रेश रावल। तो इस वे से आप देखना उस मूवी को, ठीक है। अब इसी में आपने पढ़ा टू टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, नंबर ऑफ मिनिस्टर्स वेरी करते हैं, ठीक। फिर इसको 3 पार्ट्स में बांटा गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। इसको 3 पार्ट्स में, फर्स्ट ऑफ ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स, फिर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, देन डिप्टी मिनिस्टर्स। सबसे पहले मैंने बोला कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स हम कहेंगे नंबर ऑफ मिनिस्टर्स वेरी करते हैं। एट प्रेजेंट आई थिंक 30 मिनिस्टर्स, 30 या 30 प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो मेन, जिनको उन्होंने, और जो कैबिनेट जो मिनिस्टर्स होते हैं इन्हें हाई डिपार्टमेंट, पावरफुल मिनिस्ट्रीज जो भी, इनको सब बड़े बड़े डिपार्टमेंट दिए जाते हैं। ये पावरफुल मिनिस्टर्स होते हैं कंट्री के, वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के बहुत क्लोज होते हैं। और इन्हें हाई, जो जितने भी हाई ऑफिसर्स इन द कंट्री आर गिवन टू दीज मिनिस्टर्स, इनके पास होते हैं। मेजर डिसीजंस ऑफ द कंट्री आर टेकन बाय कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट जो है ना, इसे कहा गया इनर रिंग, RING, इनर रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं ना, दे आर वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर, दे टेक मेजर डिसीजंस फॉर द कंट्री, दे आर इन चार्ज ऑफ द मेजर डिपार्टमेंट्स, मेजर मिनिस्ट्रीज इनके पास होती हैं। और ये पावरफुल मिनिस्टर्स होते हैं, और टाइम टू टाइम जो मीटिंग्स होती हैं विद प्राइम मिनिस्टर, ये कैबिनेट के साथ ही होती हैं। कैबिनेट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो नेक्स्ट, इसी में मैंने अभी आपको बताया मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। तो आपने कहना है ये लो लेवल के मिनिस्टर्स होते हैं, इनके पास जो डिपार्टमेंट्स अलॉटेड टू देम, दे आर अनस्टेबल फॉर द डिपार्टमेंट्स, उन डिपार्टमेंट्स को लेके ये अनस्टेबल होते हैं। एंड दे अटेंड द मीटिंग ऑफ कैबिनेट्स इफ दे आर इनवाइटेड, अदरवाइज ये कैबिनेट की मीटिंग्स को अटेंड नहीं करते। नो इज इट क्लियर? मिनिस्टर्स ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज में आपने बताना है कि मिनिस्टर्स हैं थोड़े लो लेवल के होते हैं, रैंक पे होते हैं। एंड दे अटेंड द मीटिंग्स ऑफ कैबिनेट्स इफ दे आर इनवाइटेड, अदरवाइज नॉट, एंड दे आर अनस्टेबल फॉर द डिपार्टमेंट दैट आर अलॉटेड टू देम। फिर हमने किया इसमें डिप्टी मिनिस्टर्स। डिप्टी मिनिस्टर्स जो होते हैं दे आर अपॉइंटेड टू हेल्प द कैबिनेट मिनिस्टर्स, वो कैबिनेट मिनिस्टर्स की हेल्प के लिए रखे होते हैं। दे आर अपॉइंटेड टू हेल्प द कैबिनेट मिनिस्टर्स। नो इज इट क्लियर? तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ, आप कहोगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज डिवाइडेड इंटू, फर्स्ट ऑफ ऑल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आप बताओगे कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, एंड देन डिप्टी मिनिस्टर्स। डिप्टी मिनिस्टर्स किसकी हेल्प के लिए होते हैं? डिप्टी मिनिस्टर्स आर फॉर द हेल्प ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स की हेल्प के लिए डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं। नो इज इट क्लियर? तो आई थिंक नो इज इट क्लियर, ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। नेक्स्ट, अब इसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट की पावर्स। प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट की पावर्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे, लिसन केयरफुली, वी आर डूइंग सेकंड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव इन दिस। पहले मैंने बोला पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, देन
अब मैं बोल रही हूँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मैंने डिटेल में मैंने बताया आपको कि मिनिस्टर्स ऑफ, पहले तो आपने पढ़ा कैबिनेट मिनिस्टर्स, फिर आपने कहा कि मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, देन डिप्टी मिनिस्टर्स जो कि कैबिनेट मिनिस्टर्स की हेल्प के लिए होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की पावर्स एंड प्रेसिडेंट की पावर करने के बाद, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर की पावर्स करने के बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक एग्जीक्यूटिव। अब हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ऑल द पावर्स आर इंजॉयड बाय प्राइम मिनिस्टर इन अवर कंट्री अंडर द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। सारी पावर्स कौन इंजॉय करता है? प्राइम मिनिस्टर अंडर द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। जितनी भी ट्रीटीज, मेजर ट्रीटीज फॉर द कंट्री जो भी है, सब कुछ ऑल आर साइंड बाय एग्रीमेंट्स, ट्रीटीज, फॉरन टूर, ये सब प्राइम मिनिस्टर करता है अंडर द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। फिर हम कहेंगे कि जितने भी मेंबर्स हैं, अपॉइंटमेंट है ना, उनके नेम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नेम कौन सजेस्ट करता है? प्राइम मिनिस्टर। लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी लोकसभा कौन होता है? प्राइम, वही पर्सन कौन बनता है? प्राइम मिनिस्टर। लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी लोकसभा इज अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट। अब आपको पता है प्राइम मिनिस्टर कैसे अपॉइंट होते हैं, कैसे इलेक्ट होते हैं? क्या कभी आपने सुना है प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट इलेक्शंस? नो, कोई डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होती प्राइम मिनिस्टर की। हम ठीक है, हम लोकसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, बट जो पार्टी अपनी मेजोरिटी शो करती है ना लोकसभा में, वही गवर्नमेंट बनाती है। यू नो इट वेरी वेल, ठीक है। बीजेपी को, बीजेपी ने अपनी मेजोरिटी शो की आई थिंक 303 सीट्स के साथ, 543 में से देखो आप से भी ज्यादा सीट्स ये ले गई, ठीक है। तो अब इस पार्टी का लीडर, ये मेजोरिटी पार्टी बन गई ना बीजेपी, तो इसका लीडर, जो लीडर होता है, ही इज, लीडर इज अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट की पावर होगी, ठीक है। तो लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी लोकसभा इज अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो हम कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की पावर, एक तो रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, फिर आपने कहा सारी पावर्स प्राइम मिनिस्टर इंजॉय करते हैं अंडर द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जितनी भी मेजर ट्रीटीज, एग्रीमेंट्स आर साइंड बाय प्राइम मिनिस्टर अंडर द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। फिर आप कहोगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर के नेम सजेस्ट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। डिपार्टमेंट कौन अलॉट करता है टू द मिनिस्टर्स? प्राइम मिनिस्टर। हु कैन चेंज देयर डिपार्टमेंट? प्राइम मिनिस्टर। हु कैन डिसमिस द मिनिस्टर्स? प्राइम मिनिस्टर। अपनी टीम में से अगर किसी को डिसमिस करना है तो दैट इज ऑल्सो डन बाई प्राइम मिनिस्टर। ये सारे काम प्राइम मिनिस्टर के होते हैं, ठीक है। फिर आप बताओगे कि प्राइम मिनिस्टर इज जस्ट लाइक सन एंड मिनिस्टर्स आर जस्ट लाइक प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड हिम। प्राइम मिनिस्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप, जस्ट लाइक कैप्टन ऑफ द शिप। मिनिस्टर्स आर लाइक आपको क्रू मेंबर्स एंड वी पीपल आर पैसेंजर्स, पैसेंजर्स हैं उस शिप में। तो हमें किस पाथ पे लेके जाना है, प्रोग्रेस के पाथ पे लेके जाना है या किस पाथ पे लेके जाना है, दैट डिपेंड्स अपॉन द कैप्टन ऑफ द शिप, दैट इज प्राइम मिनिस्टर। अब एक बात और, हमारे अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए कंट्री में तो क्रिटिसिज्म फेस करने भी कौन आते हैं? प्राइम मिनिस्टर। लोगों का क्रिटिसिज्म कौन किया, उसकी पावर नहीं है, मैं वैसे बता रही हूँ। हु फेस द क्रिटिसिज्म ऑफ द पीपल, कम टू फेस द क्रिटिसिज्म ऑफ द पीपल? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ता है, बिकॉज क्यों प्राइम मिनिस्टर, क्यों, वाई नॉट प्रेसिडेंट? बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड, नो डाउट हमने उसको डायरेक्ट वे से इलेक्ट नहीं किया, बट हमने लोकसभा की इलेक्शंस में पार्टियां, लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी लोकसभा वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर इज आंसरेबल, तो प्राइम मिनिस्टर हमारे, हम लोगों के क्रिटिसिज्म को फेस करने आते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट नहीं, तो इसी में आपने प्रेसिडेंट की पावर्स, जो प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट किया जाता है, प्रेसिडेंट की भी इनडायरेक्ट वे से इलेक्शन होती है। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जितने एमपीज होते हैं, एमएलएज ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, दे इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो प्रेसिडेंट जो है, दोनों का टेन्योर 5 ईयर है, चाहे वो प्रेसिडेंट है चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। अब आपने प्रेसिडेंट की पावर्स में सबसे पहले तो जो जो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं ना, सबसे पहले तो आपको यही बता दो, सबसे पहले तो आप यही बताओ कि लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी लोकसभा इज अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर आप बताओ कि जितने गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, एम्बेसडर्स टू अदर कंट्रीज, ठीक है, और आप बताओ चीफ जस्टिस, अदर जजेस, ठीक है, ये सब कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन कौन करता है? प्राइम प्रेसिडेंट। फिर आप बताओ कि लोकसभा के 2 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर आल्सो नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। तो ये प्रेसिडेंट की सारी अपॉइंटमेंट को लेके बता दो। फिर आप बताओ कि कोई भी बिल, लॉ नहीं बनता विदाउट द सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट,
नो बिल बिकम्स लॉ विदाउट द सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट। फिर आप बताओ कि सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज है हमारे प्रेसिडेंट, और साथ में आप बता सकते हो कि प्रेसिडेंट की, आप बता सकते हो उसकी जुडिशियल पावर, आप कह सकते हो कि प्रेसिडेंट कैन, वैसे तो हम कहते हैं इन अवर कंट्री जुडिशियल इज इंडिपेंडेंट बट रेयर केसेस कैन गो टू प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट कैन ग्रांट पार्डन टू द लाइफ डेथ सेंटेंस, अगर किसी को डेथ सेंटेंस मिली हुई है तो प्रेसिडेंट कैन ग्रांट पार्डन। प्रेसिडेंट रिड्यूस कर सकते हैं किसी की लाइफ इम्प्रिजनमेंट को, जैसे किसी पर्सन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली हुई है, उम्र कैद की सजा मिली हुई है, तो प्रेसिडेंट कैन रिड्यूस द टेन्योर ऑफ द पर्सन, उसका टेन्योर रिड्यूस कर सकते हैं। बट साथ में याद रखना रेयर केसेस कैन गो टू प्रेसिडेंट, तो ये उसकी जुडिशियल पावर है, ठीक है। फिर हमने इसी में की एमरजेंसी पावर्स इंजॉयड बाय प्रेसिडेंट, कितने तरह के एमरजेंसी पावर्स प्रेसिडेंट इंजॉय करते हैं, 3, नेशनल एमरजेंसी, स्टेट एमरजेंसी, फाइनेंशियल एमरजेंसी, यू हैव डन, है ना। नेशनल में आपने पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट्स हमारे सस्पेंड हो जाते हैं, किस एमरजेंसी पावर में सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर रिड्यूस्ड, किस एमरजेंसी में, फाइनेंशियल एमरजेंसी में, किस एमरजेंसी में हम कहेंगे कि लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट आर मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो हम कहेंगे स्टेट एमरजेंसी में, अगर किसी स्टेट में एमरजेंसी लग जाए, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में उस स्टेट की गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है, और तब उस स्टेट लिस्ट पे जो 66 सब्जेक्ट्स होते हैं कौन लॉ बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऑर्डिनेंसेस क्या होते हैं, ऑर्डर्स इशूड बाय प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एमरजेंसी। तो आपने सारी प्रेसिडेंट, अब मैंने आपको एग्जीक्यूटिव भी पूरा बोल दिया, मैंने आपको लेजिस्लेचर भी बोल दिया, नो ओनली जुडिशरी इज लेफ्ट, जुडिशरी मैंने वैसे तो क्लास में सारा करवा दिया। We have completed this chapter. Today I have only revised.